भाई अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो भी आपकी मदद ज़रूर करेगा जब आपको उसकी मदद की ज़रूरत होगी। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा जगत का रूल है और वही काम रितेश पांडे कर रहे हैं। आपको याद होगा लहंगा लखनऊआ वाली कंट्रोवर्सी में रितेश पांडे का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो वो पवन सिंह। भाई पवन सिंह भले ही कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो किसी के कानों कान खबर नहीं होती है और कोई उस पे एक्शन का रिएक्शन भी नहीं लेता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं रितेश पांडे अचानक से पवन सिंह के कारण सुर्खियों में क्यों आए हैं। पवन सिंह का होली का जो सॉन्ग आ रहा है, रितेश पांडे ने अपने सभी फैंस को 24 तारीख को दिन में 11 बजे बड़े भैया पवन सिंह जी का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है कमरिया हिला रही है। आप जाइए और पवन भैया के लिए ही सॉन्ग जरूर देखिए। अब आप सोचिए भाई रितेश पांडे ने इससे पहले कभी पवन सिंह के किसी भी गाने के लिए किसी भी फिल्म के लिए कोई प्रमोशन किया था? कभी नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है भाई। बहुत कुछ अब भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा और ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम आप बड़े ही उतावले हो रहे हैं। भले ही ये गाना हिंदी है, वैसे भी आपको बता दें हेलो कौन गाना हिंदी ही है और इस गाने को जो मुकाम मिला है तो भाई हर कोई चाहता है कि रितेश पांडे की तरह ही उनका गाना भी ब्लॉकबस्टर हो। और यही तो ख्वाहिश रखते हैं पवन सिंह कि उनका ये गाना ज़मीन से आसमां तक बजे। तभी तो पवन सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस गाने को सुपर डुपर मास हिट बनाने में। भाई अगर ये गाना सुपर डुपर हिट होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हर तरह से खुशी की लहर होगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना अच्छा मुकाम बनाएगी, जो कि हर किसी को चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब अपना वो मुकाम बनाए जो गरिमा वो खो चुकी है। अच्छा काम है भाई, हेल्प करना ज़रूर चाहिए। हम रितेश पांडे को इसके लिए उनकी पीठ थपथपाएंगे। वो अब भले ही खेसारी के दुश्मन बन गए हों, अब पवन सिंह के गाने का प्रमोशन कर उन्होंने ये जता दिया है कि वो खेसारी नहीं पवन सिंह के खेमे से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।